तो हर कोई बंदा ये जानना चाहता है कि तेरा क्या जॉब प्रोफाइल है, तेरी अर्निंग क्या है। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो ये आपकी एक जॉब की नीड यहाँ पे कंप्लीट करेगी गाइस। और गाइस अगर आपने इनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग इंटरव्यू दिया तो डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्ट गाइस। जॉब्स गाइस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमें आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ये सुनने को मिलता है, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हो, फ्रेंड सर्कल हो। तो हर कोई बंदा ये जानना चाहता है कि तेरा क्या जॉब प्रोफाइल है, तेरी अर्निंग क्या है। गाइस जिसके पास जॉब है वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन जिसके पास जॉब नहीं होती है तो मैं समझ सकता हूं कि उसे कैसा फील होता होगा। सो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और अगर आप अपनी जॉब लेना चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, अभी भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, या आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो आज जिस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो ये आपकी एक जॉब की नीड यहां पे कंप्लीट करेगी गाइस। सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो पर एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें एचआर की पूरी डिटेल, पूरी कंफर्मेशन देने के बाद ही मैं ये वीडियो शूट करता हूं। और गाइस अगर आपने इनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग इंटरव्यू दिया तो डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्ट गाइस। सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा, करंटली जिस प्रोफाइल के लिए यहाँ पे अपडेट आया है वो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स का, और इस कंपनी का बेसिकली नेम है पैसिफिक बीपीओ। आपको पता ही है पैसिफिक बीपीओ टोटली यूएस प्रोसेस हेल्थ केयर प्रोसेस पर रन करती है, जिसमें बेसिकली आपको नाइट शिफ्ट देखने को मिल जाती है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कंपनी आपको यहाँ पे मल्टीपल आपको जो अलाउंसेस भी देती है, जैसे बोथ साइड कैफ फैसिलिटी हो गई, मील्स भी कभी कभी ये प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप जो है फ्रेशर है, एज ए फ्रेशर अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप अपने कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके कैरियर में एक चांद लगने वाले हैं अगर यहाँ पे मिनिमम आपने एक से डेढ़ साल यहाँ पे दे दिया। गाइस स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे थोड़ी आपको कम देखने को मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपने इनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम किया, जो भी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन है या जो भी आपको प्रोसेस दिया जाता है उसकी एक ट्रेनिंग होती है, देन उसका उसके बाद आपका जो है क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होता है। तो क्लाइंट के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो देन आपकी जो यहाँ पे क्वालिटी चेक की जाती है, ऑडिट की जाती है। अगर आपके उसमें 100% मार्क्स आते हैं सो देन यू विल बी गेट गुड हाइक फॉर सैलरी। तो गाइस अगर आप जो एक अपना कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं या कैरियर स्विच करना चाहते हैं, तो पैसिफिक बीपीओ में करंटली यहाँ पे मोर देन 500 वैकेंसी निकल के आई है। गाइस इतनी वैकेंसी यहाँ पे निकल के नहीं आती है मोस्टली, लेकिन करंटली इसमें जो है मोर देन 500 कैंडिडेट की यहाँ पे नीड है। और गाइस अगर आप जो आउट ऑफ यहाँ पे नोएडा है, दिल्ली है, तो आप जो रिलोकेट होने की सोच रहे हैं तो आप रिलोकेट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे 31 मई तक यहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन रूट रहने वाले हैं। और गाइस अगर आप आने से पहले कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं एचआर की यहाँ पे पूरी डिटेल आपके यहाँ शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं मुझे पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ गाइस। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस ऑफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिटेल चेक कीजिए, देन उसके बाद वेल प्रिपेयर हो जाइए फॉर इंटरव्यू राउंड के लिए। क्योंकि गाइस जब आप जो सारा क्राइटेरिया चेक कर लेंगे, आपको लगता है यार कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए, देन उसके बाद आप इंटरव्यू के प्रैक्टिस कीजिए, जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं वेल प्रिपेयर रहिए, कॉन्फिडेंट हो जाइए, न्यू स्किल्स आप यहाँ पर डेवलप करेंगे, सीखेंगे, जिससे कि आप अपने करियर की शुरुआत यहाँ पे एक कंफर्टेबल जोन में बना सकते हैं। और गाइस यहाँ पर जैसे आप उस लिंक को ओपन करेंगे आपको डायरेक्टली होने वाला है कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल लेने वाला है पैसिफिक बीपीओ में। जॉब हाईलाइट्स की बात करें तो शुड बी ओके वर्किंग विद नाइट शिफ्ट। बेसिकली पैसिफिक बीपीओ टोटली एक यूएस प्रोसेस पर रन करती है, और इसके जो टोटली शिफ्ट आपको मोस्टली देखने को मिल जाते हैं वो नाइट शिफ्ट आपको देखने को मिल जाती है 0 से लेकर 1 ईयर तक। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है। और वैकेंसीज की बात करें मोर देन 500 वैकेंसी है, 2.5 लाख यहाँ पे पर एनम आप जो सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। और गाइस टाइम एंड वेन्यू की बात करें तो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली विजिट फॉर वॉक इन इंटरव्यू। इनके वेन्यू की बात करें तो 22 मई से लेकर 31 मई तक यहाँ पे इंटरव्यू चलने वाले हैं डायरेक्टली वॉक इन। और इनकी टाइमिंग्स की बात करें, इंटरव्यू की टाइमिंग्स की बात करें, आपको 10 बजे नहीं जाना है यहाँ पे, 2:30 PM से लेकर 4:30 PM तक आपको जो है यहाँ पे विजिट करना है, जिससे कि आपके यहाँ पे सारे इंटरव्यू ग्राउंड यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि यूएस प्रोसेस पे रन करती है, तो उनके जो मोस्टली यहाँ पे इंटरव्यू के टाइमिंग्स होते हैं वो आपको जो है यहाँ पे शाम को ही इवनिंग के टाइम पे देखने को मिल जाते हैं। और इनकी एड्रेस की बात करें तो 7th फ्लोर ट्रैपोजॉइड IIT पार्क C27 सेक्टर 62 नोएडा ये रहने वाला है गाइस। तो गाइस आप एड्रेस चेक कर लीजिए गूगल पे, आप जो है मैप पे डालेंगे तो इजीली आपको जो एड्रेस मिल जाएगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनी इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू अप्लाई, सो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मेंशन है सारिका जी का 9650506356 पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दे विल बी हेल्प यू, दे विल बी गाइड यू, एंड दे विल बी कंडक्ट योर इंटरव्यू गाइस। और गाइस अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता तो बेसिकली
बेसिकली आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली, तो इसमें ऑलरेडी मेंशन है हैंडलिंग कस्टमर क्वेरीज एंड ऑर्डर ओवर द फोन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली जो भी इशू होगा कस्टमर का, वो आपको इशू जो है रिजॉल्व करना पड़ेगा ऑन कॉल, और आपकी जो लैंग्वेज होने वाली है वो इंग्लिश में आपको जो है कस्टमर से जो है इंट्रैक्शन करना होगा, और इंग्लिश में ही आपको जो है उसको सेटिस्फैक्शन देना होगा। तो ये अगर आपकी एक लर्निंग पीरियड है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जल्दी विद इन द 6 मंथ के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप कोई दूसरी एमएनसी कंपनी में स्विच करना चाहें जॉब, तो आप एक अच्छी हाई क्या इंटरनेशनल प्रोसेस में जाते हैं, तो आप एक अच्छे प्रोफाइल में यहाँ पे जा सकते हैं गाइस। रिक्वायरमेंट कस्टमर सर्विस एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पर मांगी गई है एंड टेक्निकल नाउ एंड मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इनबाउंड कॉल्स। बेसिकली जो आपका प्रोफाइल लेने वाला है इनबाउंड का रहने वाला है, आउटबाउंड का नहीं है, तो कॉल्स आपके पास आने वाले गाइस। फॉलोइंग कॉल सेंटर स्क्रिप्ट व्हेन हैंडलिंग डिफरेंट टॉपिक्स। सो बेसिकली जब आपके यहाँ पे इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद आपका एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग पीरियड आपको जो है 15 से लेकर 30 दिन तक रहने वाला है, देन आपका सर्टिफिकेशन होगा, और जो भी स्क्रिप्ट है आपको जो है जो भी आपका ट्रेनर होगा वो आपको बताएगा, देन उसके बाद आप जो है फॉलो करेंगे। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स क्लेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन रिसर्च एवरी इशू एंड प्रोवाइडेड सॉल्यूशन। बेसिकली जो भी कस्टमर का इशू होगा वही आपको रिजॉल्व करना होता है, तो आपको घबराने कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी, आपको ओपनिंग कैफे देनी है, कस्टमर के कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं आप उस सिनेरियो टाइप करेंगे, देन उसके बाद रिजोल्यूशन का पूरा चार्ट आपके पास खुल जाएगा, फिर आपको जो है कस्टमर को वही बात रिपीट करनी होती है। और कुछ कुछ चीज़ें अगर आप धीरे धीरे सीखते हैं, यहाँ पे प्रोसेस की नॉलेज अच्छे लेते हैं, देन उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं विदाउट एनी स्क्रिप्ट। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो स्क्रिप्ट की यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी गाइस। प्रीफर कैंडिडेट प्रोफाइल, कैंडिडेट मस्ट बी हैव ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम। तो आपने कोई भी स्ट्रीम से यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। शुड बी ओके वर्किंग फॉर नाइट शिफ्ट यूएस प्रोसेस पर रहने वाला है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, शुड बी ओके वर्किंग फॉर वॉइस और ब्लेंडेड। तो बेसिकली प्रोफाइल लेने वाला, पर्क्स एंड बेनिफिट की बात करें तो उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि इनिशियल सैलरी 16,000 देखने को मिल जाती है एंड आफ्टर 6 मंथ 19,000 इन एंड आपको जो सैलरी देखने को मिल जाती है। तो स्टार्टिंग आपको जो है आप थोड़ी कम देखने को मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, स्किल्स अच्छे होते हैं, आपको प्रोसेस की नॉलेज अच्छी हो जाती है, देन उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पर हाइक दी जाती है गाइस। ये प्रोसेस होता है। अगर आप पैसे भी यूएस हेल्थ केयर का प्रोसेस देखें तो पैसे भी यूपी में ये क्राइटेरिया रखा गया है। मील्स ऑफर्ड, मील्स भी प्रोवाइड करती है। 5 डेज वर्किंग डेज रहने वाले, सैटरडे फंडे फिक्स आपको देखने को मिल जाता है। ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो 6 PM से लेकर 3 AM तक फिक्स आपको देखने को मिल जाती है। नो रोटेशनल शिफ्ट, ये फिक्स शिफ्ट है, कोई भी रोटेशनल शिफ्ट नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, तो यहाँ पर मल्टीपल 3 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं 4 को, अगर पहला कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर नहीं मिलता तो देन आप दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर पर ट्राई कीजिए, दे विल बी हेल्प यू। कुसा, इसमें जो है मनोज जी का कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैंशन है 9311106070939। कुशाल जी का ऑलरेडी मैंशन है 9311605727 पे। संजोग जी का कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैंशन है 9911193928 पे। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दे विल बी हेल्प यू गाइस। सो गाइस एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, तो इसे मिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो आप एज सून एज पॉसिबल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। सो एक शानदार अपॉर्चुनिटी है जो कि मैंने जल्द से जल्द आपको जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई इशू है, कोई माइंड में डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सजेशन देने की कोशिश करें, मैं आपको जो पूरी हेल्प करने वाला हूँ गाइस। सो गाइस आप वेल प्रिपेयर हो जाइए इंटरव्यू के, आप तैयारी अच्छी कीजिए। अगर आपको कोई लास्ट एक्सपीरियंस था तो उसे प्रेजेंट करना होगा आपको, देन यू विल बी सेलेक्ट गाइस। सो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नई अपडेट्स आपके लाता रहता हूँ गाइस। थैंक यू।